हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास फोर्थ का ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे। बुक का नाम है स्मार्ट ग्रामर, ठीक है। इसका हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ेंगे सेकंड। देखिए बेटा, आपको जो सेकंड चैप्टर, इसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि वाक्य के प्रकार, ठीक है। हमें आज ये पढ़ना है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला लिखा हुआ है कि देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो वाक्य होते हैं, ये हमारे पाँच प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला टाइप होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो कि हमारे पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अ सेंटेंस कैन बी अ स्टेटमेंट सच एज, कि जो सेंटेंस, यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस है, वो हमारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। कौन से स्टेटमेंट हो सकते हैं? जैसे कि लिखा हुआ है कि रवि प्लेज फुटबॉल वीकली, कि रवि क्या है कि वीकली फुटबॉल खेलता है। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि अफर्मेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। इसी का सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है कि रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल वीकली, कि रवि जो है वो डेली फुटबॉल मतलब वीकली फुटबॉल नहीं खेलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, निगेटिव सेंस आ गया, तो ये सेंटेंस हमारे हो गए निगेटिव सेंटेंस। देखिए, असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी हुई कि एन असर्टिव सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग, कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो हमें क्या करते हैं कि मतलब सेंटेंस के बारे में या स्टेट्स के बारे में, उसके स्टेट्स के बारे में बताते हैं कि सेंटेंस किस तरह का, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता हो, ठीक है। लिखा हुआ है अ सेंटेंस कैन आस्क अ क्वेश्चन सच एज, कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं। जैसे कि डज रिया सिंग अ स्वीट सॉन्ग, कि जो रिया है क्या स्वीट सॉन्ग गाती है। ये पॉजिटिव फॉर्म में दिया है, देखिए क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे भी, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में दिया तो ये पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। सेकंड दिया हुआ कि डज रिया नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, कि क्या रिया स्वीट सॉन्ग नहीं गाती। अब यहाँ पे निगेटिव फॉर्म दे दे तो सेंटेंस हो गया निगेटिव, लेकिन दोनों ही सेंटेंस में क्या हमारे क्वेश्चन पूछे, तो इसलिए ये हमारे क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब एंड एंड्स विद मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स या हेल्पिंग से स्टार्ट होंगे, और जो उसकी एंडिंग होती है वो हमारे इंट्रोगेशन मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स से एंड होता है उसका। थर्ड दिया हुआ, अ सेंटेंस कैन गिव एन ऑर्डर टू मेक अ रिक्वेस्ट सच एज, कि जो थर्ड टाइप सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्या करते हैं कि वाले ऑर्डर या रिक्वेस्ट को शो करते हैं। जैसे कह रहे हैं कम या गो दे, यानी कि इसमें ऑर्डर भी दिया जा सकता है, रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है, कमांड भी किया जा सकता है, और एडवाइस भी दी जा सकती है, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कम यार, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, तो इसमें क्या है कि ऑर्डर भी दे रहा है, रिक्वेस्ट भी एक तरह से कर रहा है। सेकेंड दिया हुआ, डोंट टॉक, डोंट मेक अ नॉइस, मतलब बात मत करो, शोर मत करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, निगेटिव सेंस दे दिया, तो इसलिए ये सेंटेंस हो गया हमारे निगेटिव। लिखा हुआ, एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस, कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि शो करते हैं। फोर्थ पार्ट दिया हुआ, अ सेंटेंस कैन मेक एन एक्सक्लेमेशन सच एज, कि जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेशन को फाइंड शो करते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि सेंटेंस हमारे आश्चर्य प्रकट कर दिया, खुशी प्रकट कर दिया या दुख प्रकट कर दिया, उसे बोलते हैं हमारे एक्सक्लेमेशन शो करना, यानी कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ आपका, हाउ ब्यूटिफुल द डे इज टूडे, कि आज का दिन कितना सुंदर है। सेकेंड दिया हुआ, हाउ क्राउडेड द स्टेशन इज, कि स्टेशन कितना क्राउडेड, यानी कितना भीड़ भाड़ से भरा हुआ है। लिखा हुआ डेफिनेशन की, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हर्ट, इट मे बी सरप्राइज, जॉय और सोरो, इट इज़ ही, कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो हमारे हर्ट की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग हर्ट्स जो होती हैं, यानी कि हर्ट की स्ट्रॉन्ग फीलिंग कौन कौन सी होंगी, वो सरप्राइज भी हो सकती है, जॉय भी हो सकता है और सोरो भी हो सकता है। लास्ट दिया हुआ कि अ सेंटेंस कैन मेक अ विश, प्रे, इट इज़ ही सच एज, कि पाँचवा जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जो कि विश या प्रे, यानी कि इच्छा और प्रार्थना को दर्शाते हैं। जैसे कहता है कि मे यू लिव लॉन्ग, कि आप दीर्घायु हो। दूसरा दे रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, कि ईश्वर आपकी उम्र लंबी करे, यानी कि आपकी लंबी उम्र हो, ठीक है। अब देखिए, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमारा क्या होता है कि लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगना कंपलसरी रहता है। देखिए, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, ऑप्टेटिव में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। डिफरेंस क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि सरप्राइज, जॉय, सोरो, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हर्ट को डिफाइन कर देगा, और इसमें क्या होगा कि आपका प्रे, विश, ब्लेसिंग या कर्स को डिफाइन करेगा। डेफिनेशन लिखा हुआ, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश, प्रे, ब्लेसिंग और कर्स, कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे प्रे, ब्लेसिंग और कर्स को डिफाइन करते हैं।
देखिए एक बार डिफिनेशन फिर से समझ लीजिए। पहला टाइप से हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मैंने बताया कि जिसमें किसी स्टेटमेंट के बारे में कुछ कहा जाए। सेकंड हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी कि जिसमें क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। अब वो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट भी हो सकते हैं और हेल्प वर्ड से भी स्टार्ट हो सकते हैं। थर्ड हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें कमांड किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है या एडवाइस दी जाती है, ठीक है। चौथा हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारे क्या होते हैं कि हार्ट की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या होती है, हमारी सरप्राइज भी हो सकती है, जॉय भी हो सकती है और सौरभ भी हो सकती है। लास्ट हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि विश, प्रे, ब्लेसिंग और कर्स को डिफाइंड करते हैं। फर्स्ट देव टिक द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। फर्स्ट देव अ सेंटेंस बिगिन विद, यानी कि जो सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है किससे, कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर से या बोथ आर रॉन्ग, दोनों ऑप्शन गलत है। तो सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो इसमें टिक कर लेंगे आप। नेक्स्ट देव एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो हमेशा फिनिश होते हैं किससे, एक्सक्लेमेटरी मार्क से, फुल स्टॉप से, सेमी कॉलम से। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हमने बताया था ना अभी वीडियो में कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज दिया हुआ है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क, यानी कि आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपको सेंटेंस को री राइट रखना है और उसमें क्या करना है, आपको कैपिटल लेटर्स का और पंक्चुएशन का ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं, इसी के बिहार पर आप बाकी भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ आपका पूजा इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल होता है, तो पूजा का पी हमारा क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं बीच में कोई नेमिंग आ जाती है, तो वहाँ पे उस वर्ड का कैपिटल, पहला वर्ड हमारा कैपिटल कर देंगे और बाकी एज इट इज़ यूज़ कर देंगे। अब बात आती है कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है, या तो सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक्सक्लेमेटरी होगा या ऑपरेटिव होगा तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे, ठीक है। इंपरेटिव होगा तो भी फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसी तरह से आपकी बाकी के सेंटेंस दिया हुआ, सेकंड दिया हुआ आपका डू यू राइट अ लेटर, थर्ड दिया हुआ आई एम अ गुड प्लेयर, फोर्थ दिया हुआ व्हेन इज़ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, फाइव दिया हुआ है प्लीज़ लेट मी कम इन, सिक्स दिया हुआ है वॉज अ दिल नॉट एन ओबीडियंट स्टूडेंट, सेवन नंबर पर दिया हुआ डोंट स्टे देयर, डोंट स्टे हेयर, आठवें नंबर पे दिया हुआ है सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आपकी ये एट सेंटेंस दिया हुआ, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है, इसी तरह से आप बाकी के सेंटेंस को सॉल्व कर लीजिएगा।